अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है सेल साइकिल। इसका जो हम कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो माइटोसिस था। माइटोसिस को हमने पढ़ा था कि माइटोसिस क्या है, एक ऐसी डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है और दोनों के अंदर डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट जितने ही होते हैं। फिर हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था कि फेजेस को, इसकी माइटोसिस को हमने चार फेजेस के अंदर स्टडी करना है। एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। अब हम जो है वो प्रोफेज को तो कल हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था, आज हमने जिसको डिटेल से स्टडी करना है वो है मेटाफेज। तो मेटाफेज को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता ना चाहिए कि स्पिंडल फाइबर जो कि प्रोफेज में बनी है, स्पिंडल फाइबर जो है वो दो तरह की होती हैं। एक हैं काइनाइटोकोर, एक हैं काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स और एक जो सेकंड टाइप है उसको हम नॉन काइनाइटोकोर भी बोलते हैं। नॉन काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स भी हम उसी को बोलते हैं। नॉन काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स भी हम उसी को बोलते हैं और उसी का जो सेकंड नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर माइक्रोटब्यूल्स भी जो है वो हम उसी को बोलते हैं। ये दो टाइप्स हैं स्पिंडल फाइबर्स की। अब जो काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स हैं ये किसके साथ अटैच होती हैं, ये जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स का जो काइनाइटोकोर रीजन है, क्रोमोसोम के काइनाइटोकोर रीजन के साथ हमारी काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स अटैच होंगी और जो नॉन काइनाइटोकोर हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होती, वो आपस में ही अटैच होती हैं, अटैच विद ईच अदर फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। वो एक दूसरे के साथ ही ऑपोजिट पोल से एक दूसरे के साथ ही अटैच हो जाएंगी। तो मेटाफेज प्लेट से पहले जो है, मेटाफेज स्टेज से पहले ये दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये किस में बनी थी, प्रोफेज स्टेज में बनी थी। अब जब मेटाफेज स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है तो होता क्या है, इस मेटाफेज स्टेज में ये हमारे पास जो है वो सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास सेंट्रियूल्स हैं, इसमें जो है ये दो तरह की माइक्रोटब्यूल्स बन गई हैं। ये जो हैं ये काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स हैं, इनके साथ जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम्स अटैच होंगे। ये जो है ये हमारी नॉन काइनाइटोकोर है या इसको हम पोलर माइक्रोटब्यूल्स बोलते हैं, ये फिर जो है वो काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स है, इसके साथ क्रोमोसोम अटैच होंगे। ये नॉन काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल ये आपस में अटैच होंगे और ये फिर जो है ये हमारे पास काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल जिसके साथ क्या अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम। तो इस तरह क्या है, ये हमारे पास जो है जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच हो रहे हैं वो काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल है, जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं हो रहे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन काइनाइटोकोर उसको बोलते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर माइक्रोटब्यूल्स भी जो है वो हम उसी को बोलते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारे बिल्कुल सेल के सेंटर के अंदर जो है वो क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, जिसमें क्या हुआ है कि क्रोमोसोम किसके साथ अटैच हो गए हैं, काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल के साथ और जो नॉन काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हो गई हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो है एनाफेज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो है एनाफेज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि इसमें जो है अभी हमने पढ़ा है दो तरह की माइक्रोटब्यूल हैं, काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स ये क्या होंगी, कंट्रैक्ट होंगी एनाफेज प्लेट में। काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल जो है ये कंट्रैक्ट हो रही हैं और जो नॉन काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स हैं, जो नॉन काइनाइटोकोर माइक्रोटब्यूल्स हैं ये क्या हो रही हैं, ये इलोंगेट हो रही हैं। ये दोनों टब्यूल जो है ये काइनाइटोकोर जो है वो कंट्रैक्ट हो रही हैं और नॉन काइनाइटोकोर जो है वो इलोंगेट होती हैं। जब ये दोनों माइक्रोटब्यूल्स वर्किंग करेंगी एनाफेज प्लेट में तो होगा क्या कि काइनाइटोकोर और नॉन काइनाइटोकोर दोनों की फंक्शनिंग की वजह से क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स की क्या होगी, स्टेज में ब्रेक डाउन हो जाएगी किस में, क्रोमेटिड में।
अब एनाफेज का ही हम पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी क्रोमेटिड में, और जब क्रोमोसोम्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी ना क्रोमेटिड में, तो क्रोमेटिड को भी हम क्रोमोसोम्स ही कंसीडर करेंगे फिर। अब इसको अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है ये हमारे सेंट्रियूल्स हैं, और इसके बाद जो है ये हमारे काइनेटोकोर माइक्रोटब्यूल हैं, ये पुल अप होंगे, और ये हमारे पोलर माइक्रोटब्यूल हैं। ये हमारे काइनेटोकोर, ये हमारे पोलर, ये जो हैं ये हमारे काइनेटोकोर हैं। इनके ऊपर जो थे वो क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे, जब इनके ऊपर क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे इस तरह, तो जब ये काइनेटोकोर माइक्रोटब्यूल कंट्रैक्ट होंगे ना, तो इनका जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा क्रोमेटिड का, और क्रोमेटिड को अब हम क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये जो हैं पोलर माइक्रोटब्यूल, ये क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, ये भी जो है वो एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करेंगे, एज अ रिज़ल्ट हमारे क्रोमोसोम्स की जो है वो सेपरेशन हो जाएगी। और इस तरह क्रोमोसोम के सेपरेशन होंगे, ये वाले जो हैं ये काइनेटोकोर माइक्रोटब्यूल हैं, और ये वाले जो हैं ये पोलर माइक्रोटब्यूल, या इनको हम जो है वो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोटब्यूल बोलते हैं। ये अर्ली एनाफेज होगी, अर्ली जो है वो एनाफेज पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और इससे जो नेक्स्ट वो हमारे पास जो सेल होगा एट द एंड ऑफ एनाफेज, जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा होगा कि क्रोमोसोम जो होंगे वो नियर टू अप्रोचिंग देयर ऑपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम जो है बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर जो है वो पहुंचने वाले होंगे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा हमारा एट लेट एनाफेज, ये लास्ट स्टेज पे हमें इस तरह का जो है वो सेल नज़र आएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो है वो है हमारी टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो बिल्कुल हमारी कैसी स्टेज होती है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये बिल्कुल जो है वो प्रोफेज का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट में जो जो काम प्रोफेज में हुआ था उससे ऑपोजिट होना है। प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि क्रोमाटन जो थे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गए थे, अब इसमें इससे ऑपोजिट होगा, क्रोमोसोम जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, डी कंडेंस होकर अनकॉयल होकर वो क्रोमाटन में चेंज हो जाएंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो डिसअपेयर हो गया था, इसमें जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसकी क्या होगी, स्टेज में आकर उसकी फॉर्मेशन होगी। अगर इसको हम जो है वो डायग्राम के ज़रिए इसकी इलैबोरेशन करें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल अपने जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे, इस तरह क्रोमोसोम्स के बिल्कुल अपने ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं दोनों, इसके गिर जो है वो दोनों के गिर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। अब न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया है, अब होगा क्या कि टीलोफेज के एंड पर दोनों पूल्स पर हमारे पास दो सेल्स होंगे, स्टार्ट में एक था, अब इसमें क्या होंगे, दो सेल्स होंगे। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस। अब ये जो है न्यूक्लियस की डिवीजन ख़त्म हो गई है, अब सेकंड फेज है हमारे पास आ गई है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, इसमें जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है। ये दो डिफरेंट, अगर एनिमल सेल है तो इसकी डिवीजन और तरह से होगी, अगर प्लांट सेल है तो इसकी डिवीजन और तरह से होगी। पहले हम पढ़ते हैं एनिमल सेल में कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस जो है वो कैसे होती है। एनिमल सेल में जैसे अभी हम ऊपर स्टडी कर रहे थे कि एनिमल सेल में क्या होता है कि इस तरह जो है वो सेल बनेंगे, इस तरह जो है वो दो सेल बने हैं एक एक साथ। एनिमल सेल के अंदर हम क्लीविज पढ़ रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है, कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है ना वो यहाँ पर एक क्लीविज बनता है, क्लीविज के ज़रिए जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है। ऊपर से भी ये क्लीविज जो है वो अंदर पंच होता जाएगा और नीचे से भी जो है ये क्लीविज अंदर पंच होता जाएगा। एट द एंड होगा क्या हमारे पास कि जो हमारा एक सेल है वो कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, दो सेल के अंदर जो है वो हमारा एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास एनिमल सेल में एक से दो सेल प्रोड्यूस हो गए हैं, और ये डिवीजन कैसे हुआ है कि ऊपर से सेल जो है वो अंदर की तरफ जो है वो पंच हुआ है।
जो नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस है वो हमने पढ़नी है एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती कैसे है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर, इसके अंदर भी जो है वैसे ही दो सेल्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं। अब इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, उसमें तो पंच हुआ है सर, बाहर से अंदर की तरफ पंच हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल इसके मिड के अंदर गोल्जी बॉडीज जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं, गोल्जी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है वो बाहर अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करता है, और इससे जो है स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर जो है बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करता है, और किससे बनता है, गोल्जी बॉडी जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विजिकल्स, और विजिकल्स आपस में फ्यूज़ होती जाती हैं, और एट द एंड होता क्या है कि हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डिवेल्प हो जाता है, ये सेल आके जो दो प्रोड्यूस हुए हुए हैं, होगा क्या कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बन जाएगा जो कि बाहर की तरफ ग्रो करेगा। पहले ये अंदर वाली जो है वो सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होगा, और एट द एंड किसके साथ अटैच हो जाएगा, सेल वॉल के साथ, और होगा क्या कि हमारा एक पेरेंट सेल जो है वो दो सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया। इस तरह जो है वो हमारी प्लांट के अंदर जो है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपने दो डिफरेंट टाइप की साइटोकाइनेसिस पढ़ी है, एक प्लांट में कैसे होती है और एनिमल में। दोबारा बता देती हूँ कि प्लांट के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के ज़रिए होती है, उसमें जो डिवीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ ग्रो होती है, एट द एंड एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल से ऑपोजिट है, यहाँ सेंटर में एक गोल्जी विजिकल्स बनते हैं, गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम विजिकल बोलते हैं, और वो विजिकल आपस में फ्यूज़ होते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट बाहरी तरफ ग्रो करेगा, पहले ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होगा, फिर ये सेल वॉल के साथ कंबाइन होगा, एट द एंड हमारे पास जो है वो दो डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। थैंक यू।